निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने समीक्षा बैठक में जोन आयुक्त एवं सहायक राजस्व अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अवैध अतिक्रमण, अवैध प्लॉटिंग, अवैध कब्जे पर सख्त कार्यवाही करें। मुख्य सड़कों के किनारे तथा व्यस्ततम मार्गों पर और गली मोहल्लों में सड़क बाधा करने वालों पर भी कार्यवाही की जाए। वही शाम को अधिकतर फूड वाले जो ठेला लगाने का काम करते हैं उनके दुकानों व ठेलों में डस्टबिन की व्यवस्था नहीं रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। आयुक्त ने अस्पताल, स्कूल एवं आंगनबाड़ी में पेयजल सुविधा की जानकारी लेने, सफाई कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग करने सहित अन्य कई कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, आयुक्त महोदय ने समीक्षा बैठक इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि शासन की विभिन्न योजनाएं हैं और उन योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जन जन तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे और लास्ट इंडिया के जो व्यक्ति हैं वहां तक पहुंचे, इसके लिए योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की है। अभी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो निर्माणाधीन है और अभी स्कूल खुलने का भी आगामी समय पे, तो इन सबको देखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जो काम, ऐसे जो काम है जो मानसून पूर्व भी किए जा सकते हैं उनको तीव्रता लाकर कंप्लीट करना होगा, तभी क्या है इसकी सुविधाएं जो है वो लोगों को मिलेंगी। जैसे रोड का पेच वर्क है, सड़क निर्माण है, डांबरीकरण है, तो ऐसे चीज़ों को तो जो बारिश पूर्व करना चाहिए वो करें। इसके अलावा शासन की जितनी भी योजनाएँ हैं उन पर उन्होंने समीक्षा की। EWS के जो जमीन है उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उनको घेरा रखने के निर्देश भवन के अधिकारी को दिए हैं। इसके अलावा जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है और जितने भी अवैध प्लाटिंग जैसे कार्य हो गए, इन कार्यों पे उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि जो जोन आयुक्त है उन्होंने स्पष्ट उन्होंने कहा था कि भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के निर्देश का इंतजार न करें, यदि आपको स्वसंज्ञान आता है तो आप उस पर कार्रवाई।